एक होम्योपैथिक डॉक्टर जब किसी पेशेंट का केस लेना चाहता है या लेता है तो वो तभी से शुरू हो जाता है जब वो क्लिनिक में एंट्री मारता है या दवाखाने में आता है उसके आने का तरीका चलने का तरीका बोलने का तरीका हर चीज़ काउंट करता है और वो ये केस टेकिंग तब तक रहता है जब तक वो पेशेंट वो चैम्बर से निकल के फिर बाहर नहीं चला जाता ठीक है कई बार हम लोग पेशेंट से हाथ मिलाते हैं या नमस्ते करते हैं तो उसमें तरह तरह की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं उनसे हाथ मिलाएंगे तो बड़ी कड़क से हाथ मिलाते हैं हेलो सर गुड इवनिंग कुछ नॉर्मल रहते हैं और कुछ ऐसे रहते हैं जैसे वो बस इतना ही पोर्शन देंगे हाथ का हेलो सर आर यू ऐसे लगता है कि बस इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता ऐसे वो एकदम नजाकत रहती है उनके हाथ मिलाने में भी एकदम नाजुक सा महसूस करते आज ऐसे ही एक पेशेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे या इसी तरह के एक दवा के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उस और वो दवा है थूजा ऑक्सीडेंटालिस तूजा का पेशेंट अक्सर ऐसे हाथ मिलाता है बड़ी नर इतना ही पोर्शन देता है ऐसे हेलो सर ऐसा क्यों दोस्तों तुजा पेशेंट के जेहन में या तूजा पेशेंट को ऐसे महसूस होता है कि वो बहुत आ, बहुत डेलिकेट है बहुत थिन है बहुत फ्रेजाइल है ऐसे कोई जोर से अगर पकड़ ले तो टूट जाएगा ये उसका आभास है वास्तविकता नहीं है ये ये सिर्फ उसका भ्रम है आभास है कुछ पेशेंट तो ऐसे रहते हैं जिनको ऐसे महसूस होता है कि उनका जब ये भ्रम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब उनको ऐसे एहसास होता है कि उनका बॉडी इतनी नाजुक है कि वो टूट जाएगी ग्लास का बना हुआ है वुड का बना हुआ है दिस इज मियरली ये सिर्फ भ्रम है ये डिल्यूजन है ये वास्तविकता नहीं होती लेकिन भ्रम हो सकता है दोस्तों तो थूजा को हमेशा ये भ्रम रहता है या रहता है, कि उसकी बॉडी बहुत डेलिकेट है कांच की बनी हुई है या लकड़ी की बनी हुई है बड़ी आसानी से टूट जाएगी इस वजह से थूजा के पेशेंट जब किसी से हाथ मिलाते हैं या रास्ते में कहीं चलते हैं तो बड़ी बहुत संभाल के चलते हैं वो अगर कोई बंदा उनको अप्रोच कर रहा है या उनसे मिलने आया तो बड़े उन लोग बड़े सावधान रहते हैं और ये इस तरह की मानसिकता थूजा पेशेंट में एक खास तरह का डर पैदा करती है जैसे थूजा पेशेंट ऐसी जगहों पे कहीं कभी नहीं जाएंगे जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है इस भ्रम की वजह से या ऐसी जगहों पे कभी नहीं जाएंगे जहां पे रास्ता सकरा है नैरो प्लेस है या लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना है क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग टच लोगों से वो टच हो बिकॉज ऑफ दिस डिल्यूजन इस भ्रम की वजह से मैं फिर से कह रहा हूं ये वास्तविकता नहीं होती वो नहीं चाहते कि लोग उसको अप्रोच करें उसके नजदीक आए उसके करीब आए ऐसा नहीं चाहते वो और ये सिर्फ इंसानों या एडर्ट तक ही नहीं है ये बच्चों में भी पाया जाता है दोस्तों कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जो नहीं चाहते कि उनके करीब कोई आए कोई भी ना आए भले ही चाहे वो उसको ठीक करने आया हुआ डॉक्टर ही क्यों ना हो वो उसे भी नहीं चाहता कि वो करीब आए कोई भी स्ट्रेंजर या कोई भी अजनबी अप्रोच कर रहा है वो उसे पसंद नहीं है अप्रोच करना या उससे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं होता इस वजह से थूजा के बच्चे कभी कभी क्या होता है दोस्तों स्कूल जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वहां पे भीड़ भाड़ रहती है कुछ बच्चे रफ होते हैं कुछ सीधे होते हैं मस्ती करते हैं बच्चे वो थूजा पेशेंट बड़ा सावधान रहता है या थूजा का बच्चा बड़ा सावधान रहता है ऐसी जगहों पे, लेकिन ये अकेला वजह नहीं है कि थूजा का पेशेंट या थूजा का बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं कर रहा इसमें एक दो चीजें और हैं जैसे जा का बच्चा कभी भी स्ट्रेंजर पसंद नहीं करता वो चाहता है कि उसके परिवार के लोग या जो फैमिलियर लोग हैं वही उसके इर्द गिर्द रहे उन्हीं के साथ वो मिले उसी तरह वो स्ट्रेंज सिचुएशन यानी ऐसी जगहों पे जाना पसंद नहीं करता जहां वो कभी गया ना हो या जो जगह उसके लिए अनजान हो सो so, अनजान लोग और अनजान जगह ये भी पसंद नहीं करते है और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो थूजा बच्चों में पाया जाता है एग्जामिनेशन थूजा के बच्चों को एग्जामिनेशन का बहुत डर लगता है तो ये सारी चीजें मिला के थूजा के बच्चों को क्या करती है स्कूल जाने से आनाकानी करते हैं पसंद नहीं करते अच्छा ये एग्जामिनेशन का जो डर है ये बच्चों तक ही सीमित नहीं है ये बड़ों में भी पाया जाता है जब भी एग्जाम का कोई सिचुएशन आता है समझिए कोई बच्चा है या वो बीएससी, एमएससी या कोई कंपटीशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है तो ऐसे सिचुएशन में वो बहुत घबरा जाते हैं। बहुत ज्यादा डर लगता है उनको क्योंकि वो अंदर ही अंदर ये मान लेते हैं कि भाई एग्जाम है मैं फेल हो जाऊंगा मैं पास नहीं होऊंगा यानी मैं ये कहूं कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होता है तो बुरा नहीं होगा या गलत नहीं होगा सो इस तरह की मानसिकता से वो एग्जाम देने उतरते हैं और जब आदमी इस तरह की मानसिकता से उतरेगा तो बट नेचुरल है कि मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कोई भी एग्जाम हो जैसे हर हर आदमी जीवन में या हर स्टूडेंट जीवन में एग्जाम देता है लेकिन एग्जाम एग्जाम ही होता है इनके लिए एग्जाम अग्नि परीक्षा जैसी होती है इतना ज्यादा हवा रहता है इनको एग्जाम का इतना ज्यादा डर लगता है उन्हें परीक्षा का एज इफ इट इज नॉट मियरली एन एग्जामिनेशन दे सीम्स इट एज इफ दे आर ऑन ऑडिल अगली परीक्षा दे रहे हैं ठीक है दोस्तों इस तरह का मानसिकता रहता है थूजा के पेशेंट का और जब कभी भी आ, ऐसा सिचुएशन आता है कि एग्जाम देना है तो उसके पहले ही एक तरह का एंटीसिपेटरी फियर पैदा हो जाता है थूजा के पेशेंट में यानी जो चीजें घटित होने वाली हैं, उसके पहले ही उस चीज को लेकर बेचैनी या डर पैदा हो जाती है जैसे एग्जामिनेशन नौ बजे है तो यह आठ बजे सात बजे से ही डरने लगेगा या बेचैन हो जाएगा इस तरह का डर या बेचैनी थूजा पेशेंट महसूस करता है और इस अवस्था में कुछ कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं थूजा के पेशेंट में जैसे घबराहट की वजह से कभी बेचैनी यहाँ महसूस होती है थूजा पेशेंट को या कभी कभी पैल्पिटेशन होने लगता है दिल की धड़कन बढ़ जाती है पसीने भी आ सकते हैं घबराहट की वजह से कभी कभी ये इस डर की वजह से थूजा पेशेंट को पेट में दर्द भी होता है या एंटीसिपेटरी फियर या एंजाइटी की वजह से थूजा पेशेंट को लूज मोशन भी हो सकता है जैसे जलसेमियम और नाइट्रिकम में होता है एंड इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशन उल्टी भी हो सकती है थूजा पेशेंट को तो मैं ये बता रहा था कि जब भी कोई एग्जामिनेशन हो या आ, किसी से मिलना हो एंगेजमेंट हो किसी से कोई एक इंपॉर्टेंट बंदा है उससे मिलना है या स्टेज पे परफॉर्म करना है ये सारे ऐसे सिचुएशन है जो थूजा पेशेंट को नर्वस कर देते हैं डरा देते हैं अब सवाल उठता है कि ये इतना डरता क्यों है भाई एक्चुअल में थूजा पेशेंट अलग थलग रहना पसंद करता है दोस्तों ये रिजर्व रहना पसंद करता है इसे कंपनी पसंद नहीं है और खासकर अजनबियों का तो बिल्कुल नहीं वो नहीं चाहता कि लोग उसे उसे उसके बारे में जाने ही डोंट वॉन्ट टू बी डिस्कवर्ड पर ऐसा क्यों होता है सपोज हम एक, एक एक थूजा पेशेंट को लेते हैं जिसको स्टेज पे बोलना है स्टेज पे परफॉर्म करना है कुछ स्पीच देना है वट एवर इट में भी अभी इसकी बेचैनी बढ़ने लगती है क्योंकि बेसिकली ये नहीं चाहता कि लोग उसे देखें या लोग उसे डिस्कवर करें वो लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता वो एक एक जगह पे कोने में रहें सारी निगाहें उसको देखे ये तूजा को पसंद नहीं है ठीक है सो so, ऐसे टाइम में क्या होता है वो नर्वस होने लगता है और नर्वस इस बात को लेके ले होता है दोस्तों कि वो नहीं चाहता कि उसे लेकर कोई जजमेंट पास करे यानी समझिए कोई भाषण दे रहा है या कोई लेक्चर दे रहा है या कोई स्पीच दे रहा है वॉट एवर इट में भी तो हम इस उस स्पीच या भाषण के बारे में कुछ ना कुछ अपना जजमेंट देते हैं बट ऑब्वियस है बट थूजा इससे बहुत डरता है खासकर उस जजमेंट से जो नेगेटिव जजमेंट हो वो नहीं चाहता कि लोग उसे जज करें उस, उसके बारे में कोई जजमेंट पास करें कि भाई तुमने बुरा किया तुमने ऐसा किया तुम्हारे में ये कमियां हैं ये सब चीजें उसे अंदर से हिला देती हैं थूजा पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं लोग उसके बारे में क्या कमेंट पास कर रहे हैं वो थूजा पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दीज आर द रीजन ये कुछ ऐसे डर हैं थूजा पेशेंट को जो और आ, और जो मटेरिया मेडिका में है, जो फियर है उनसे अलग करता है इसे स्पेसिफिक इस तरह का फियर आपको थूजा पेशेंट में मिलेगा ये यूनिक है खास है और जब कभी भी आपको क्लिनिक में या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई थूजा पेशेंट मिले और वो इस तरीके का हरकत कर रहा है तो आप समझ जाइए सिथु देने की जरूरत है ठीक है